कला साहित्य एकेडमी छत्तीसगढ़ के द्वारा वरिष्ठ कलाकारों तथा सक्रिय कलाकारों और इसके साथ ही साहित्य जगत से जुड़ी विधाओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही दो नाटक का मंचन भी मंच के माध्यम से किया गया। गौरतलब है कि मैत्री विद्या निकेतन रिसाली के मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर समिति द्वारा कुशल व्यवसायी व समाज सेवी कैलाश बरमेचा का सम्मान मंच के माध्यम से किया गया। इस गरिमामय आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। बता दें, ये सम्मान समाज सेवी व साहित्य जगत से जुड़े कैलाश बरमेचा को विशेष सहयोग देने हेतु दिया गया है। इस दौरान आयोजित नाटक का मंचन में काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। क्या चल रहा है? खोद खोद, रुक रुक, कोतवाल, तुमने ही छोटे से मुंडे को कितना बड़ा कर दिया? सच सच कहना, संतरी ने सब स्वीकार किया है। अच्छा होगा तुम भी सब स्वीकार कर लो। मालिक, एक छोटा सा मामला था, आप आ गए एक पोटली निकालने के लिए। मालिक, पोटली जिसके ऊपर देश की जनता के रक्षा का भार है, वो भला पोटली चुराएगा? तुम्हें क्या तुम्हारा वेतन नहीं मिलता? मालिक आप ही बताइए, 6 महीने हो गए दिवाली को, अभी तक वेतन का 1 रुपया नहीं। और जब भी जाके वेतन की बात करो तो यही कह के टाल देते हैं, अभी खजाना खाली है, बाद में आना। यह भी कोई बात होती है? वेतन नहीं मिलता तो क्या हुआ, ड्यू सीट तो मिलती है ना। जब देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तब तुम्हें तुम्हारा वेतन भी मिल जाएगा। क्या मालिक, कब बाबा मरी और कब बरा खावो, कब आर्थिक स्थिति ठीक होगी और कब हमें हमारा वेतन मिलेगा? आप ही बताइए, जिस देश में उनके राज कर्मचारियों को ही सही समय में वेतन नहीं मिलता, ऐसे पिछड़े हुए देश। ए! मालिक।